खास दोस्त अफरीना, निकिता, कविता और अंगूरी। ये अंगूरी मेरी असली दोस्त है। और कविता और लक्ष्मी दीदी। प्रत्येक माह सुकन्या क्लब की बैठक होती है, उसमें अलग अलग तरह के टॉपिक होते हैं, कभी शिक्षा के ऊपर, कभी तो मैं और मेरी जीवन, मैं और मेरी पहचान। तो ये जो हमारी मुद्दा होती है उस पर हम लोग काम करते हैं उनके साथ, तो ये उनको सशक्त कर रही है। पहली बैठक में तो लोग एकदम खुल के बातें नहीं की, इसीलिए जब एकदम वो लोग नहीं खुलती है तो फिर उन लोग के साथ एकदम हम लोग पास जाके बैठ जाते हैं, थोड़ा ले जाते हैं बाहर कि चलो कंधे में कंधे मिला लेते हैं, हंस के बातें कर लेते हैं, तो वो लोग फिर लगता है कि अरे ये जैसे हम लोग हैं उसी तरह है। कोई चीज नहीं जानते थे, अब बहुत सारा जान गए। हमने बोला कि अब हम बाहर शौच करने नहीं जाएंगे, शौचालय बनवा दीजिए। रजिया को शादी हो रही थी तो हम देखे कि अच्छी हो रहा है, तब मैं उसका घर गई, चाचा अभी शादी इसको मत करो। लेकिन कि बोल हम बोले कि बाल विवाह होता है, छोटा में शादी में करना चाहिए, 18 से नीचे नहीं करना चाहिए, 18 से ऊपर करना चाहिए। पापा को अब अच्छा लगता है कि हमारी बेटी जो मैं इतने दिन से शौचालय नहीं बनवा रहा था और मेरी बेटी के चलते मेरा शौचालय बन गया, और हमारे देखा देखी आस पड़ोस के लोग भी शौचालय बनवा रहे हैं। मेरे गांव में भी किशोरियाँ हैं जो साफ़ सफाई के बारे में नहीं जानती हैं, तो हम 25 और 20 लड़कियों को इकट्ठा किए और वहाँ उनको बताया कि महावारी के टाइम में किस तरह की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। इसलिए उन लोगों को खुशी होती कि दीदी आप बताए तो हम, मेरी सेहत अच्छी रहती है, हम अच्छे से रह पाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम इतनी लड़की को बताएं और वो सब कर भी रही हैं, साफ़ सफाई रह भी रही हैं। हम स्कूल में 10 लड़की लोग के एडमिशन करवाए, अभी वो लोग पढ़ रही है 8 में, अभी सब लड़की है। सबसे बढ़िया तो ये लग रहा है कि सब कोई अपने अपने घर में खुशी बदलाव कर लिया हमारी देखा देखी, क्योंकि हमको जब आने के वक्त में बहुत अच्छा लगा, बहुत हिम्मत आई हमको, कितना ही हिम्मत नहीं था पहले हमको। मनुष्य का सबसे जरूरी पढ़ाई है और हम सुकन्या क्लब में से जाएंगे ना तो पढ़ाई शुरू करेंगे।